जी, राधे राधे महादेव आप सभी को। तो ये सुबह के बज रहे हैं 4, जो कि हम लोग को निकलना था कोलकाता के लिए। तो सुबह सुबह हम निकल गए। तो अब पीछे दोनों भाई बहन ना हमेशा झगड़ा करना होता है इन लोगों को, तो वही चल रहा था। बस बाबू का देखो मुँह फूल गया है। और जो टाइमिंग है वीडियो की वो 4 बजे की है, तो क्योंकि जल्दी निकलते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। टाइम थी हमारी, यहाँ से हमारा कोलकाता काफ़ी दूर का था, और रास्ते में हमारा ये कॉलोनी में सजी हुई थी दुर्गा माता का पंडाल था, तो हमने सोचा थोड़ी सी कैप्चर करके आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो बस वही चीज़ें हैं। और हैप्पी दुर्गा पूजा आप सभी को। अभी तो रात के बज रहे थे, आप देख सकते हो कितना बज रहा है, 4 5 बजने वाला, मेरे को भी दिख नहीं रहा है। और ये हम हाईवे पहुंच गए हैं, इसके से जो रूट जाएगा वो कोलकाता के लिए जाएगा। मतलब सुबह की जर्नी थी, नींद आता हम लोग को आ कर रही थी, तो मॉर्निंग उठना 2 बजे का हम लोग उठे थे। सारी पैकिंग करनी थी, सब कुछ करना था, बैक टू बैक सारी चीज़ें, और सर में दर्द, क्योंकि नींद पूरी होती नहीं तो हाथ ख़राब हो जाती है। बस वही चीज़ें थी हमारी। तो बस मेरे ब्लॉग में आप बने रहना, और कहाँ हम जाते हैं कैसे जाते हैं सारी चीज़ें मैंने आपके साथ अपने ब्लॉग में शेयर करनी है, तो मेरे ब्लॉग में आप बने रहना। तो जी, कोलकाता में क्या चीज़ें कैसे की जाती हैं सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी 1 by 1। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ से कोलकाता का जो टाइमिंग है, मतलब कितने किलोमीटर, 672 किलोमीटर है, और अराइवल दिखा रहा है 8 बज जाना। अगर हम रुकते रुकते भी जाएंगे तो 8 से 9 भी बज जाएगा हमारा। और ये हाईवे है, मतलब रात में ट्रैवल करने का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी मज़ा भी आता है, पर मज़ा के साथ सजा भी चीज़ जाती है। मेरी हाल आप देख सकते हो कि मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग 2 बजे का उठना और साथ में ट्रैवल करना, हालत ख़राब। और ड्राइवर के साथ अगर आप बैठ गए हो फ्रंट सीट पे उनके ना, तो फिर आपको सोना भी नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वही हाल मेरा हो रहा था, आप साइकिल मेरी देख लो, अब तो और भी ज़्यादा मेरी हाथ ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि ना कि मैं सोने का मन कर रहा था, पर मैं सो नहीं पा रही थी। और बार बार मैं उससे बात कर रही थी, पानी पी रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी, और साथ में हमारे दोनों बच्चे हैं ना वो फुल टू इन्जॉय करते हुए आए थे, दोनों के दोनों आराम से सोते हुए आ कर रहे थे। और ये सामने धीरे धीरे दिन सुबह हो रही थी, थोड़ा अजीब सा लगता है ना रात का मौसम, जैसे कितना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखो आप, यहाँ निम्मे सो रही है, जैसे के बाद में बाबू सो रहा है, दोनों मतलब 1 by 1 करके, एक के ऊपर एक करके ना सो कर रहे हैं, क्योंकि जगह स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। और यहाँ फिर से मैं फ्रेश अप हो करके, मतलब आपको तीन मॉर्निंग हैप्पी मॉर्निंग। सुबह के आई थिंक 5 बज रहे थे इस टाइम जो मैं शूट कर रही थी, क्योंकि 4 बजे हम लोग घर से ही निकले किए थे और 5 ये बज रहा था। तो बस यही था ब्लॉग हमारा, और आगे भी चीज़ें होंगी, आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। देखो ये सुबह हो गई है, ये सुबह आई थिंक ये सन आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा, ये हम लोग आई थिंक बिहार पहुंच गए थे, ये उस टाइम का हमारा है। और सनराइज मतलब इतना से कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा, पर वाकई में आँख से देखा ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर कैमरे में अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है। तो अब ये देखो आप, फिर से वही चीज़ें हैं, बच्चे हमारे अभी भी सो रहे हैं, निम्मी का हाल देख लो, और बस सनराइज़, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो समझ नहीं आ रहा है। ट्रैवल के मज़े भी आ कर रहे हैं, नींद हमारी अलग भी आ रही है। और ये कोई पुल है, कौन सा पुल मुझे भी नहीं पता, पर बिहार में ना जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा तो है नहीं एकदम, मतलब क्राउड है नहीं हर जगह, मतलब खालीपन है और सुनसान एरिया ऐसा। ये मॉर्निंग का टाइम 7 o'clock का है आई थिंक मुझे चीज़ें, और सनराइज़ आप देख सकते हो, सनराइज़ देखने इतना अच्छा लग रहा था ना कि इसके लिए मैं वर्ड ही नहीं बोल सकती कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी हम यहाँ पे एक लक्की फैमिली ढाबा पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे घर से निकले थे, और अभी हो रहा है 8:15, तो भूख हम लोग को लगे थे खा के, इसके बाद ऑलमोस्ट फिर डायरेक्ट हम निकलेंगे ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाना करना है, 500 मीटर बाकी हमारा भी। अभी हम लोगों ने कितना ट्रैवल किया है, कितना 200 किया है, और यहाँ से कोलकाता की दूरी थी 600 कुछ थी, अभी थी यहाँ 400 ना, बनारस से 650 कुछ थी हमारे यहाँ से। तो हमने कर लिया है शुभ, नहीं ना बदमाशी नहीं करो, और हमने यहाँ पकाया है आलू का पराठा, पनीर का पराठा, उसे खा के हम इन्जॉय करते हैं। तो बने रहा मेरे ब्लॉग में, मैं सारी जगह मेंशन करूँगी। तो यहाँ पर
पर हमारा क्या है पनीर का पराठा और आलू का पराठा, तो हमारे हस्बैंड ने एक्सचेंज कर लिया कि दो पीस उनको दे दिया मैंने आलू का और दो मैंने लिया अपने लिए पनीर का ले लिया है। और हमारे भी चाय होगी पनीर आलू पनीर आलू काफी लोग हो गया है हम खाते हैं उसको बहुत देर लगी 8:30 हो गया हम खाना मंगा दे खाते हैं हम लोगों ने कर लिया अपना खाना फिनिश है ना। सुबह सुबह ने एकदम नहीं खाते वो ने दो पराठे खाए ना पापा पापा ने मेरा एक तो लिया था पराठा खाली क्योंकि तो आपने खा खाया ना बस एक ही खाया उसने बस। अब खाली हमें सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करने के लिए है ना। आपको हमेशा भोजपुरी सॉन्ग ही मिलेगा सुनने क्योंकि हस्बैंड को भोजपुरी सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो आप भी सुन लो। और ये हम लोग पहुँच गए ये बिहार का ही रास्ता है और यहाँ के डाइवर्जन यार इतने गंदे रास्ते हैं ना पूछो मत है हालत ख़राब। मतलब आप कुछ सेकंड गाड़ी आप चलाओगे नहीं ना फिर डाइवर्जन आ जाएगा सामने आप देख सकते हो फिर कोई प्रॉब्लम हो गई सड़क आधी तरह ख़त्म हो गई है। मतलब इतनी गंदी सड़क ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखी जी हाँ मैं बिहार जाते वक्त देख लिया है। प्लीज़ इसमें कुछ तो प्रोग्रेस करो मतलब डाइवर्जन मतलब हर 5 सेकंड में डाइवर्जन आना ही आना कंफर्म है इस रूट में। पर कोई नहीं हम लोग पहुँच जाते हैं भी बोर हो तो मैं कार में बैठ जाती हूँ मूँगफली क्योंकि रास्ते में कुछ ना कुछ तो यार करना बनता है ना तो मैं मूँगफली खा रही हूँ। मैंने हस्बैंड से पूछा वो बोले कि वो नहीं खाएंगे। और पीछे जो हमारे बच्चे हैं आप देख सकते हो सिर्फ झगड़ा झूड़ी लोगों का कैरी ऑन रहता है प्रॉपर रास्ते में वो चल रहा है उनका। और मैं यहाँ मूँगफली इंजॉय कर रही हूँ और हस्बैंड को भी दिखा रही हूँ भाई देख लो आप भी दिख रहे हो डांस मस्ती क्योंकि रास्ता बोरिंग हो चुका था ना कि सिर्फ डाइवर्जन डाइवर्जन ना दिमाग का दही। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है यार 351 किलोमीटर अभी बाकी है हमें पहुँचने के लिए अपनी जर्नी का क्योंकि और यहाँ आपसे हालत मतलब इतना सकस देखिए आप बता सकते हो कि मेरी प्रॉपर ख़राब हो चुकी थी कुछ समझ नहीं आ कर रहा था। बाद में आप देख सकते हो लेन काफ़ी अच्छी अब रोड आई है तो रोड अच्छी होती है ना ट्रैवल करने में भी मज़ा आता है और रोड ख़राब होती है ना तो सबकी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती तो वही सीन हम लोगों का भी था। पर कोई नहीं अब देखते रहो रास्ते में और सामने ना देखना इतना अच्छा व्यू आपको दिखेगा। और आपके सामने एक व्यू देखिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने से कश्मीर की बात है बर्फ पड़ नहीं रहा थोड़ा मतलब ये जो आप पहाड़ देख रहे हो बहुत ही प्यारा ऊटी वाली फीलिंग कह सकते हो आप बहुत ही प्यारा है अभी देखो दूर से ये चीज़ें मतलब बहुत कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पा रहा है पर रियल में बहुत ही इतना लगा कि ऊपर बादल है और जाने का मन कर रहा है कि मतलब हम लोग क्या कर लें क्या कहते से पहाड़ पे चढ़ने को क्या बोला जाता है मैं तो बोल जा रही हूँ माउंटेनिंग करने का मन कैंपेनिंग करने का मन कर रहा है कि बहुत अच्छा व्यू है तो लग रहा कि वहाँ पे ऊपर आई थी लग रहा है एक मंदिर उंदिर भी है क्या बारिश सब दिख कर रहा है शायद हो भी सकता है कुछ कह नहीं सकते हम। और यहाँ की सड़कें भी देखो अब प्रॉपर फील अच्छी फीलिंग आ रही है सड़क को देख करके अब अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में यार मतलब इतना अच्छा लोकेशन पहाड़ियों में है दोस्तों अभी देखिए हम जा रहे हैं तिब्बत चाइना से रास्ते से आप ये देख सकते हैं हम लोग आ गए फॉरेन में फॉरेन आ गए फॉरेन ये तिब्बत की वादियां हैं हिमालयंस ये हिमालय है हिमालय। फाइनली रूम हम लोगों ने ले लिया मतलब रूम क्या होटल ले लिया है द होटल का नाम है द सिटी रेजिडेंसी जो मेन हाईवे पड़ता है। हस्बैंड गए हैं हमारा रूम देखने के लिए और शुभ की बदमाशी हमारे चल रही है बस हमें आज रात के लिए स्टे करना है देखते हैं रूम सब लोग सीटी से जाते थे ना पूरी दिन चलो हाँ तो अभी इसके पापा गए हैं रूम देखने के लिए रूम देख कर आते हैं फिर डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है जाएंगे।
तो ये होटल द होटल रेजिडेंसी जो हम लोगों ने बुक करवाई है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, मेन हाईवे पे ही। अगर आप घूमने आ रहे हो ना तो इसे बुक लेना, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मतलब होटल है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे होटल अपना मतलब रूम ले लिया है, और हमने पहले ही चेक कर लिया था, 301 हमारा रूम नंबर मिल गया था हमें। तो बस हम लोग रूम में अब जा कर रहे हैं, हमारा सामान भी अब जा कर रहा है, फिर दिखाते हैं कि हमारा रूम कैसा है। तो आप कंटिन्यू रहें। तो हम लोगों ने रूम डिसाइड कर लिया, हम लोग को रूम मिला है 301। अब देखते हैं अंदर से ये है कैसा। ये हमारा रूम है। तो यहाँ पे दिया है वॉटर जो है स्पेशल, ये चीज़ें हमारी। और यहाँ पे टीवी हो रही है, यहाँ पे एक दिया है कैबिनेट, और उधर है विंडो। शिव की बस स्टार्ट हो गई ना। और यहाँ पे ये मेन्यू मिला, यार देख लो यहाँ पे क्या, इंडियन फूड में पनीर टिक्का, और तो कुछ मेरे को दिख भी नहीं रहा, सब नॉन वेज यहाँ दिख रहा, सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन है। इधर भी है वेज मेन कोर्स में भापा, चना डालना, आलू पोस्त, तो नहीं कौन कौन से नाम है, और सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे आ गया है हक्का नूडल, और ये क्या है, बिरयानी, वेज बिरयानी। लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि इन्होंने वेज मंगाया हुआ है, नहीं तो नॉन वेज ही आता है हमेशा। क्या यार इसके साथ प्याज कौन खाता है? अच्छा आप खाइए पहले, से फिनिश करते हैं। यानी मम्मी खा रही चॉपस्टिक्स है ना, ये नोनो रानी। यार बाहर इतना क्राउड की तरह से लोग, कोहरा हो गया एकदम। अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे हक्का नूडल्स, ये बहुत तेज भूख लगी थी यार, बहुत ज़्यादा। अपनी बकबक हम कैप करते हैं और खाने पे फोकस करते हैं। आपने बोलना होगा कि हर जगह जाके नहीं हक्का नूडल ही खाते, फिर क्या करें, मैंने भी कुछ है नहीं खाने के लिए, जो मिल रहा है यही में मंगाऊंगा तो खाते हैं। चलो चलो चलो, एक मिनट उठने का तो बहुत मजा आ गया यार।